हेलो फ्रेंड, दिस इज मी मंजुल। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है वाउचर्स के बारे में। आखिर ये वाउचर क्या होता है? वाउचर एक्चुअली में एक डॉक्यूमेंट्स होती है, एक इनवॉइस होती है, एक पर्ची होती है जो ये दिखाती है कि आपने कितना सेल किया, आपने आपको कितना डिस्काउंट मिला, आपका क्या क्या टैक्स इंक्लूड है उसमें। मतलब एक डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग वाउचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो वाउचर है दोस्तों, आज उसी के बारे में भी बात करेंगे। टैली में बहुत प्रकार के वाउचर होते हैं, लेकिन हम लोग जो मेनली जो हम लोग डिफाइन करेंगे, जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो है 6 प्रकार के वाउचर इस वीडियो में। वाउचर्स इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स द कैश फ्लोइंग, हाउ मच, एंड इट इंडिकेट्स ऑल्सो द डिस्काउंट एंड टैक्सेस एटसेट्रा। आपका कितना टैक्स हुआ, कितना क्या हुआ, मतलब जो पर्ची नॉर्मली आपको कोई भी, जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन या फिर कोई कंप्यूटर वगैरह खरीदते समय जो भी आपको इनवॉइस वगैरह मिलता है, वही सब वाउचर्स है। तो टैली में हम लोग जो वाउचर्स होते हैं, ये प्री डिफाइंड वाउचर है, पहले से टैली में ऑटोमेटिक होती है। जैसे कि सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा वाउचर F4 दोस्तों, ये कॉन्ट्रा वाउचर क्या होती है? जितना भी आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, ठीक है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है, वो सारा चीज आपका कॉन्ट्रा वाउचर में आता है। चाहे बैंक से विथड्रॉ कर रहे हो, बैंक से डिपॉजिट कर रहे हो, वो सारा आपका कॉन्ट्रा वाउचर में आएगा। विथड्रॉ, डिपॉजिट, ट्रांसफर, ये सारा चीज जो है दोस्तों, ये कॉन्ट्रा वाउचर में आएगा। कॉन्ट्रा वाउचर का फंक्शन, जो फंक्शन की जो है F4 है, आप F4 प्रेस करेंगे या वर्टिकल बार में F4 प्रेस करेंगे, उस समय हम लोग को जो वाउचर मिलेगा वो है कॉन्ट्रा वाउचर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जैसे कि राम ने इतना पैसे SBI बैंक में डिपॉजिट किया, उसने फिर विथड्रॉ 2000 फ्रॉम PNB बैंक, उसने PNB बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से विड्रॉ किया। इस प्रकार के ट्रांजेक्शन का वाउचर एंट्री जब करते हैं, उस समय जो वाउचर यूज किया जाता है वो कॉन्ट्रा वाउचर, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड। अब दूसरा ट्रांजेक्शन लिखे हैं कि ही पेड रेंट बाय चेक, चेक के थ्रू रेंट पेड किया, कर दिया। चेक तो जो बैंक का है, तो इस वाउचर में कौन सा ये यूज करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं होना है। हम लोग को कॉन्ट्रा वाउचर यूज नहीं करना है, उसमें पेड करते समय अलग वाउचर यूज करते हैं, तो उस वाउचर को हम लोग बोलते हैं पेमेंट वाउचर। अब आते हैं, ये एक हो गया दोस्तों, दो दोस्तों पेमेंट वाउचर में आते हैं। तो पेमेंट वाउचर पेड करते समय आप कैश के थ्रू पेड करो या चेक के थ्रू, आप पेड कर रहे हैं, क्या पेड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आपके कंपनी की तरफ जो भी एक्सपेंसेस होता है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, उसमें जो जो वो वाला जो ट्रांजेक्शन है उसका एंट्री हम लोग को जिस वाउचर में करनी है वो है पेमेंट वाउचर दोस्तों। तो ये पेमेंट वाउचर, चाहे आप कैश के थ्रू करो या चेक के थ्रू करो या किसी भी चीज के थ्रू पेड करो, पेमेंट कर दे, ही पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 25,000 बाई चेक, बाय कैश होगा फिर भी पेमेंट वाउचर में एंट्री, बाय चेक होगा फिर भी पेमेंट वाउचर में एंट्री। तो ये है पेमेंट वाउचर। अब आते हैं रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट नाम से ही स्पष्ट है कि कैश रिसीव होगा बिजनेस में, मतलब बिजनेस में किसी भी तरीके से कैश आता है, उस प्रकार के ट्रांजेक्शन का एंट्री हम लोग रिसीप्ट वाउचर में करते हैं। जैसे कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 या 25 लाख में बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस समय के इस वाले ट्रांजेक्शन का एंट्री जो है दोस्तों वो रिसीप्ट वाउचर में होगा। ठीक है, कैश क्यों रिसीप्ट वाउचर में, क्यों कैश बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो बिजनेस में कैश आ रहा है, इस कारण से रिसीप्ट वाउचर। आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, आप टेलीफोन, आप कोई भी इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इस प्रकार का रिसीप्ट जो है, ये सब का जो ट्रांजेक्शन का एंट्री जो है दोस्तों, आप लोगों को करना है रिसीप्ट वाउचर में। अब आते हैं जर्नल में।
जर्नल मतलब F7, इसका जो शॉर्टकट की है आप फंक्शन की यूज करेंगे F7। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब आप क्रेडिट में, बाकी में कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप या फिर कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो, खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो, उस समय जर्नल वाउचर का हम लोग यूज करते हैं। परचेस फिक्स एसेट होना चाहिए, फिक्स एसेट खरीदते समय, फिक्स एसेट मतलब कंप्यूटर लैपटॉप जो बिजनेस में यूज के लिए जो सारा सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो सारा जर्नल वाउचर में आपका एंट्री होगा। ठीक है, जर्नल वाउचर में एंट्री होगा। क्रेडिट नॉन कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का एंट्री कहां पे होगा, जर्नल वाउचर में। जैसे कि मोहन परचेस अ कंप्यूटर फ्रॉम लखन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप ऑन क्रेडिट 25,000, तो ये वाला वाउचर का जो एंट्री होगा दोस्तों वो जर्नल वाउचर में होगा। ठीक है, जितना भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है उसका एंट्री जो है दोस्तों जर्नल वाउचर में होगा, जब वाउचर एंट्री आप कर रहे होते हैं। ये F8 सेल्स वाउचर है दोस्तों, सेल्स वाउचर का यूज कब होगा, जब आप कैश में या फिर क्रेडिट में, कैश या क्रेडिट में, बाकी में हो या कैश में हो या चेक के थ्रू हो, आप क्या खरीद रहे हैं, बिजनेस गुड्स खरीद रहे हैं। ट्रांजेक्शन में ही बिजनेस गुड्स वर्ड आएगा या फिर गुड्स वर्ड आएगा कि ये आप खरीद रहे हो क्रेडिट में। जैसे कि ही परचेज बिजनेस गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, इसका भी सॉरी सेल्स, ही सोल्ड बिजनेस गुड्स टू मोहन बाय चेक, उस समय क्या होगा, सेल्स वाउचर में एंट्री। ही सोल्ड बिजनेस गुड्स, ही सोल्ड बिजनेस गुड्स टू राम बाय कैश, इसका क्या होगा, सेल्स वाउचर में एंट्री। ही सेल्ड बिजनेस गुड्स टू मोहन बाय ऑन क्रेडिट, ये सारा क्या होगा, सेल्स वाउचर में एंट्री होगा। बिजनेस गुड्स या प्रोफेशनल सर्विस, सर्विस वाला बिजनेस, बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, एक सर्विस वाला बिजनेस होता है, एक गुड्स हम लोग सेल करते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर लैपटॉप या फिर कोई कोई प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, वो सारा चीज जो है आपका प्रोडक्ट है लेकिन आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स वगैरह में, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, एक सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाता है, उस पे जो पैसे देते हैं या पैसे लेते हैं वो सर्विस के थ्रू, तो सर्विस वाला प्रोफेशनल सर्विस, कंसल्टिंग सर्विस, ये सब का प्रोफेशनल सर्विस का जब लेजर बनेगा तो उस समय भी हम लोग को सेल्स वाउचर में उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो ये हुआ सेल्स। अब आते हैं लास्ट वाला, टोटल सिक्स हो गया ये लगा के, ये परचेस वाउचर, मतलब सिमिलर है, बिजनेस गुड्स बेचते समय आप परचेस सेल वाउचर का यूज किए, लेकिन आप बिजनेस गुड्स आप खरीदते हो, चाहे आप कैश में खरीदो, चेक में खरीदो, क्रेडिट में खरीदो, हमेशा हम लोग परचेस वाउचर में ही एंट्री करते हैं। तो इतना जो ये जो है दोस्तों, आप याद करके रखोगे ये सारे वाउचर्स को, तो लिख के रखोगे तो आप लोग को बहुत हेल्प होगा और आसानी से आप वाउचर एंट्री पास कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और उसके बाद तो थोड़ा सा और एक बात बता दूं, आप कैश में कोई भी सामान परचेस करते समय क्या होगा, पेमेंट वाउचर में ही एंट्री होगा, तो इसमें भी कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।